एरिना एनिमेशन इंस्टीट्यूट, जहां विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित हैं, जैसे एनिमेशन VFX, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, डिजिटल आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग, जेका कई के अपना कह सकी थे आपन सपनन का साकार। मध्य प्रदेश के विंध्य अब उड़े का तैयार है। हाँ, एक विशाल जनसभा का केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चरहू के जहाँ तक अपना की नजर जी बसे बस देखी ही, और दूसरे ओर जहाँ के देखब विंध्य खातिर एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री महोदय कार्यक्रम में को आवल लगे और हो गए पब्लिक जी कई जने के लेके है सौ अब तक गाड़ी खड़ी ना हो गए अब थोड़ा चल रहे हैं रोड में, रोड में जब चले खे तब हेलमेट लगावे के है ना। मंत्री को देखने आए हैं या में तीन जने का ही नहीं तो मंत्री आए हमें ध्यान नहीं आ नहीं तो जेका देखे आए हैं वही के ध्यान नहीं है पूरा का गरीब आए तो कुछ न्यूज मिली तो मनाई का जाने समझे पाओ कि हाँ ये चीज मिला था। पहली हमारी मांग है कि इंटर्नशिप में भत्ता बढ़ाया जाए, अभी हमको सिर्फ 4600 रुपए भत्ता मिलता है जो कि दिहाड़ी मजदूर से भी बहुत कम है। कितना पब्लिक ले आए हम वही रहे 40-50 50 से तो ऊपर ले रहे हो सही ईमानदारी से बताए ईमानदारी। मध्य प्रदेश के विंध्य अब उड़े का तैयार है, यह उड़ान जो है रीवा से नए एयरपोर्ट के लोकार्पण हो रहा है। आज यह हम चौरहटा में मौजूद हैं, जहां एक विशाल जनसभा का केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आज भारी जनसमुदाय का संबोधित करें। अपना प्रत्येक बता दी कि यह देखी लागे थे हम अपने सहयोगी से कहा कि यह भीड़ दिखा दें चरहू के जहां तक अपना की नज़र जी बसे बस दिखाई ही, और दूसरे ओर जहां के देखब अपना का गाड़ी के काफिला दिखाई, एक भारी संख्या में जो है लोग जनसमुदाय यहां पहुंचा है। सबसे बड़ी बात कि यह रीवा खातिर विंध्य खातिर एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। यह सौगात ऐसा है कि पूरे विंध्य का या आर्थिक रूप से तो मजबूत करबे करी, ओके साथ रोजगार के सृजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। आज यह चौरहटा पर अपना पचक बताया दी कि भारी जनसमुदाय के साथ साथ महिला सम्मान समारोह है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों महिला के जो है सम्मानों के जो है यह सम्मेलन कीन गया है। सबसे बड़ी बात कि भारी संख्या में लोग पहुँचे हैं और 2023 चुनावी साल है तो यह माना जा रहा है कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक विंध्य खातिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा खेला गया है। तो शुरुआत करी थे यह ग्राउंड जीरो के रिपोर्टिंग के, जहां भारी संख्या में लोग हैं, कुछ लोगों से जाने की कोशिश करब कि आखिर यह जो सभा है जनसभा है एक बारे में उनकर का राय है। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करीश तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे या ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हालांकि सब लोग जो है सभा स्थल में जाए चाहते का शुभ नाम है अपने। हमारा नाम अमित पांडे। कहाँ से है अपना? हम यहीं रीवा से, सिकुरबा गांव है अपन। सिकुरबा जी। का करे आए हैं नहीं है? यहाँ माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री महोदय कार्यक्रम में और को आवल लगे और हो गए पब्लिक जी हैं वही और कौन नेता आवल लगे कि वही भरा सिंधिया अपन वो आई उड्डयन मंत्री हैं वो आ रहे हैं। अपना भाजपा पदाधिकारी है या फिर नहीं पंचायत है? ऐसा नहीं है, कर्मचारी तो नहीं है ओ, मान के चलिए शासकीय कर्मचारी है। हाँ, कौन विभाग में है? पंचायत सचिव है। सचिव है। कितना टारगेट मिला रहा अपना? हम बन जो 100-150 आदमी। नहीं 150 आदमी टारगेट मिला रहा कि लेके आवे के कई जने का लेके आए हैं? 100 आदमी ले आए हैं। चलिए ठीक है, अपना कह रहे हैं कि अपना का टारगेट मिला रहा यहाँ जो है जन ले आवे का, और अपना 100 आदमी के टारगेट रहा ओका पूर कह चुके हैं, और लोग हैं जो अपना हाथे में ले हेलमेट बागी रहे हैं, तो अपना उसे हम जाने की का नाम है अपना? अमरनाथ सिंह। कहाँ से हैं अपना? हम रीवा से हैं। रीवा से हैं जी। काहे हैं यहाँ? यहाँ जितनी बड़ी सौगात मिली है बने विंध्य क्षेत्र का। कहाँ सौगात तो मिली है? हवाई अड्डा जी जी, तो उसी को के उपलक्ष्य में देखने आए। हाँ, भूमि पूजन है। अच्छा, भूमि पूजन है ओका देखा आए हैं अपना। का कुछ विंध्य माँ बदल जाई का मानी थी? बहुत कुछ बदल जाए, हवाई सेवा से तो बहुत बढ़िया है उपलब्ध। अच्छा। 750 करोड़ लगी थी जी जी, मतलब अपना का लागत है कि बहुत बड़ी सौगात। हाँ जी, विंध्य की तस्वीर बदल जाए। विंध्य की तस्वीर बदल जाए जी जी।
चलिए तो कुल मिला के और लोगन से हम जाने के प्रयास करी थे, हालांकि लोग दूर दूर से आए रहे हैं, पहुंच रहे हैं। कहाँ ना हो अपना दसरा साथ उतार ली, अब तक गाड़ी खड़ी ना हो गए, अब थोड़ा चल रहे हैं रोड में, रोड में जब चले खे तब हेलमेट लगावे के है ना। कहाँ ना हो अपना के दसरा साकेत, दसरा साकेत जी, तीन जने सवारी में बैठ के आए हैं अपना। अरे नहीं मंत्री को देखने आए हैं, तीन जने कहा मिलेंगे, तीन जने भैया यही ठीक यहाँ कहाँ ठीक। अरे गुड़हर मोड़, गुड़हर बतौती है अपना बटाटा राम कुई, चलिए ठीक है। केका देखे आए हैं, अरे मंत्री जी का कहू मंत्री, अरे कहू सुकुला कहू मंत्री आई, हमें ध्यान नहीं आ, नहीं तो जेका देखा आए हैं ओहिन के ध्यान नहीं है अपना का। का नाम है औ कोको आबा होगा, दुई जन तीन जनान है, नहीं अपना तीन जने आए हैं वहाँ कोको आबा। अबे तो हम गवा नहीं भान माले, अब जब 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 ना देखा कि कितने आदमी आए कितने नहीं आए, करीत कहा है अपना हम पचे गए से मजदूर मन आई। हाँ तो कहू बुलाए रहा कि गाड़ी गत में नहीं आ पावा, तो गाड़ी रही तो चले यार। अपना का करी थे हो गया मजदूरी, अपना कुछ नहीं मजदूरी समझ नहीं आ घरे में रहा था। चलिए तो एंठे कुछ बनल लाग है, ये जानकारी है अपना का एंठे, अब हम कहा जानी, अभी तो जानकारी नहीं मिली कि कहा बनल लाग है। हाँ अब जब जानकारी मिले तो मले मने आगे बढ़ा कि हाँ यह चीज बन रहा है। चलिए अच्छा, मतलब कुल मिला के अपना पचन का भी जानकारी नहीं है, एठे एयरपोर्ट बनने लगा ये नहीं जानता है, हवाई पट्टी आई है चौराहटा। हाँ तो यार तो चौराहटा चौराहटा यहाँ, तो काहे के कार्यक्रम मठे हो रहा है ये नहीं जानी, ये मालूम नहीं है कि काहे की जानकारी। अब ना है कहीं मंत्री जी आ रहे हैं तो सब लोग जाते थे, हम पचे कहन हम पचे हो आई कि कुछ न्यूज मिली, गरीब आए हैं तो कुछ न्यूज मिली तो मन का जाने समझे पाओ कि हाँ ये चीज मिला था। अच्छा सुविधा सुविधा जो जो बताई ही तो वो कम से कम जाना बापा जाना हम पाछे ऐसा है यार। चलिए ठीक है भैया, थोका आए कुछ ना बोला, चल दी है का। चलिए अब कुछ लोग बोले नहीं चाहे, कुछ लोग जो बोल रहे हैं उनसे हम जाने के प्रयासों कह रहे हैं, हालांकि यह सभा स्थल है जो एट से लगभग आधा किलोमीटर के दूरी पर बनावा गया है, और यह सभा स्थल का हमें तैयार किया है कि लगभग 25,000 से अधिक जो है जनता या जगह सभा स्थल पर अपन बैठ के मुख्यमंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री का सुनी। सबसे बड़ी बात की थे कुछ लोग आए रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं, का नाम है अपना की उतरिए तब न फिर बताऊँ का नाम है अपना की। हमारा नाम अंकित पांडे है, एक उतार ली। हाँ पांडे जी कैसा नहीं है यहाँ, हम एक्चुअली हम वेटनरी स्टूडेंट हैं। अच्छा हम लोगों की कुछ डिमांड थी, हम लोगों का जो इंटर्नशिप है वो 4600 रुपये केवल, जो कि दिहाड़ी मजदूर से भी बहुत कम है, क्योंकि उनको डे बाय डे देखा जाए तो उनको कुछ तो मिलता है, हम लोग इंटर्नशिप के स्टूडेंट हैं, और जो हमारी डिमांड थी कि हम लोगों का जो स्टाइपेंड है वो 20 से 25,000 कर दिया जाए, क्योंकि जो कि रिजनेबल है, क्योंकि जो अदर स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान है छत्तीसगढ़ है कर्नाटक है और भी जो स्टेट हैं वहाँ जो स्टाइपेंड की कीमत है वो ज़्यादा है बिटनरी में। हाँ बिटनरी में, और जो हम लोगों की जो पोस्ट क्रिएशन है जो पोस्ट हमारी 1600 के आसपास हैं, जो हम चाहते हैं उसको 3200 के आसपास किया जाए, यानी कि डबल किया जाए इसको। और तीसरी बात यह कि जो जॉब जो पीपीजी होता है हमारे यहाँ जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है जो उसमें भी स्टाइपेंड वो नहीं मिलता, जो कि अदर स्ट्रीम होते जैसे मेडिकल है बीएमएस वगैरह उसमें भी स्टाइपेंड मिलता है उन लोगों को, हम लोगों को वो भी नहीं मिलता। तो हमारी डिमांड यही थी, वही हमारे कुछ स्टूडेंट अंदर हैं, बात उनसे हो रही है या होगी अभी। तो अपना कैसे निकले जाए, हमारे कहीं और भी जाके मीटिंग हड़ताल चल रही है, कॉलेज में स्ट्राइक हो रही है हमारी। अच्छा जी कॉलेजों में स्ट्राइक की है बात कॉलेज, हमारे जबलपुर में भी है और जो इंदौर वाला कॉलेज है वहाँ भी है। अच्छा इंदौर में जो है वहाँ पे। हाँ तो ये पहल पे अपना बच्चे मांग उठाया है या के पहले कंटिन्यू ये मांग हमारी चलती चलने लगी, ये हमारी 2017-18 से है। तो सुनी काहे नहीं जा लगी है इसका रीजन मैं क्या बताऊँ, कैसे कह सकते हम तो एक स्टूडेंट हैं, हम अपनी डिमांड ही रख सकते हैं जो भी हमारी डिमांड है, और बताइए क्या कर सकते हैं हम, जो भी पीसफुली जो प्रोटेस्ट होता है पीसफुली जो हमारी डिमांड है वही कर सकते हैं। चलिए तो कुल मिला के अपना के उम्मीद ही कि यहाँ अपना बच्चे अपन बात रखब तो सुनवाई हुई ये हम उम्मीद लेके आए थे। चलिए तो उम्मीद पर दुनिया कायम ही, उम्मीद पर भाई कायम है, और आज या जो हो रही या रीवा में विशाल सभा है ओमा भारी संख्या में जन समूह जो है शामिल भा है,
और यह जनसमूह जो है यह बात के द्वेतक है कि कहों न कहों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नागरिक उड्डयन मंत्री का देखे खितिर पूरे विंध्य के जनता लालाई थी। सबसे बड़ी बात कि यह जो लोकार्पण हो रहा है, जो क्षमा करब शिलान्यास हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, या रीवा के चौराहटा में बन रहे हवाई अड्डा की हो रहा है। हवाई अड्डा बने के पूरी प्रक्रिया जारी हो चुकी है। लगभग 50 से 60 एकड़ भूमि जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी का दे दी गई ही, पैसों कुछ आ गया है, आज से काम चालू हो जी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यह योजना जमीन पर उतरे में अभी वक्त लगी, लेकिन यह कहा जा लग है कि 6 से 7 महीना के अंदर काम इतना तेज चलावा जाए कि 6 से 7 महीना के अंदर यहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट मतलब शहर से शहर जोड़े वाले महानगरन का जैसा जोड़े वाले जो है फ्लाइट यहाँ से चालू हो जाए। मतलब रीवा से इंदौर जा सका थी, रीवा से भोपाल जा सका थी, जौलपुर के फ्लाइट चल सका थी। तब देखब दिलचस्प हुई कि आखिर यह कितना जल्द काम पूरा होता है। और जनता के जो उम्मीद ही कि यह एयरपोर्ट बने से एक बड़ा विकास हुई, वह विकास का अब देखब बेहद दिलचस्प हुई कि यह एयरपोर्ट वास्तव में, हालांकि यह वेटनरी के कुछ छात्र हैं जो इंटर्नशिप कह रहे हैं उनकर यह दौरान कुछ मांग ही मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री से कि उनकर बात जो है पीएम तक पहुंचे, सीएम तक पहुंचे और अपना के संबंधित विभाग तक पहुंचे, तक का है अपनों पचे यह आला उला है। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम सतीश कुमार चंदेल है, फोर्थ ईयर स्टूडेंट हूँ वेटनरी का। मैं वेटनरी कॉलेज रीवा से आया हूँ। यहाँ हम सीएम साहब के सामने 3 मांगे रखने आए हैं। पहली हमारी मांग है कि इंटर्नशिप में भत्ता बढ़ाया जाए। अभी हमको सिर्फ 4600 रुपये भत्ता मिलता है, जो कि एक दिहाड़ी मजदूर से भी बहुत कम है। दिहाड़ी मजदूर भी दिन के 300-400 रुपये कमाता है, हमें 150 रुपये मिलता है, हमें उस हिसाब से 150 रुपये पर डे मिलता है। तो कम से कम हम चाहते हैं कि इसको 20,000 से ऊपर किया जाए। अदर स्टेट में देखें और अदर यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो सब में 20,000 प्लस मिलता है। तो पहली हमारी मांग है कि इंटर्नशिप में हमें भत्ता बढ़ाया जाए, 20,000 से ऊपर दिया जाए। बच्चे दिन भर सुबह 10 बजे से शाम को 6-7 बजे तक मेहनत करते हैं, कभी रात में केस आता है या फिर शाम को केस आता है तो हॉस्पिटल बंद होने के बाद भी बच्चे हॉस्पिटल में देखने जाते हैं केसेस को। कभी हॉस्टल में भी केस आ जाता है तो वहाँ पर भी बच्चे केस देखते हैं। तो बिल्कुल लगातार बच्चे मेहनत करते हैं, बिल्कुल मेहनत से पीछे नहीं हटते। तो उस हिसाब से देखें तो 4600 रुपये बहुत कम दिए जा रहे हैं हमको। चलिए, तो कुल मिला के अपना बचन की यह ज्ञापन है जो अपना लंबा चौड़ा ज्ञापन बनाई है। हम अपने सहयोगी से कहब कि हूँ करीब आई के एक जो है ज्ञापन का दिखा दें, कहे कि यह ज्ञापन जो है केंद्रीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम पर यह ज्ञापन बना है। जौने माँ कहा जाए कि सबसे बड़ी अपना बचन के जो समस्या ही अपना कह रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर से कम जो है अपना बचन का इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलत है, जो बेहद कम है और लगभग 150 रुपये वो महीना के हिसाब से बैठा था। तो मतलब दो मांगे हैं। हाँ, एक तो पीजी का स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। हाँ, और जो नई पदों निकाली जाए, नए पद निकाले जाए। तो कॉलेज में 6-7 दिन से हड़ताल चल रही है हमारी, वहाँ पे कॉलेज में बैठे हैं बच्चे। यहाँ आए हैं, सुनवाई हुई? अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आगे देखते हैं कि कोई सीएम साहब से बात कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अभी हम हड़ताल पे बैठे हैं, अगर यहाँ पे मांगे पूरी नहीं होती तो हम भूख हड़ताल की तरफ बैठेंगे। जबलपुर कॉलेज के बच्चे भी हड़ताल पे बैठे हैं और मऊ कॉलेज के बच्चे रहते हैं। प्रदेश में 3 कॉलेजों के बच्चे हड़ताल पे हैं अभी इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाने के लिए। हम चाहते हैं कि 20,000 से ऊपर हो जाए। आज या एठेल हवाई अड्डा के भूमि पूजन हो जाल लाग है, लेकिन असंतुष्ट लोग हैं यह जगह पर जे अपन अलग अलग मांग लेके पहुँचे। हालांकि हम कहा कि हमारा सहयोगी गाड़ी का देखा, मैं इतनी बस आई हैं कि अपना अंदाज़ा लगाए इसकी थी कि अंदर कितना बड़ा जनसमूह हुई। हालांकि यह महिला सम्मान समारोह है, यहाँ महिला सम्मेलन है, तो ये माँ महिलाओं के काफ़ी भूमिका जो है बड़ी संख्या में जो है यहाँ महिला, ग्रामीण महिला, शहरी महिला पहुँच रही हैं। का नाव है अपना? ठीक है, का नाव है? नारायण साकेत। कहाँ से आए हैं? आयन बैकुंठपुर से। कहाँ करे आए? गाड़ी लेके आए। कौन गाड़ी? प्रधान। कितना पब्लिक ले आए हम? हो गया रहे 40-50 आदमी। 40-50 50 से तो ऊपर ले रहे हो? सही ईमानदारी से बताए। ईमानदारी से 50 आदमी। कै सीटर गाड़ी है? 52 सीटर। तब यार हिसाब लगा लिया, काहे झूठ फंस गया मैं, ज़्यादा बता दे अब तक। चला तो ये गाड़ी कौन है, ग्राम पंचायत से लेके आए? गुड़ से। गुड़ से। हेलो, सचिव बुक करी नहीं? अब जब बुक करे रहो पता ही। गाड़ी के पास जी कैसे चल दी है? कहा? हाँ चल दी है। काहे? व्यवस्था यहाँ की कुछ अच्छी नहीं है, तो कब का करी? का समस्या का हो गया? समस्या ना बैठक व्यवस्था ना कुछ हुआ, तब बेहतर मम्मी कहाँ जाए? जाए मने घर है, पानी तक पिया की व्यवस्था नहीं है, तब नहीं कहा करे? सरपंच जी देखिए, हमारे रूपावली के सरपंच आई। सरपंच साहब? सरपंच तो ऐसा ठाड़े जैसा लगा था कि ना बाबा
कुछ अपा कहीं देख देख रहा ना चले आवा है सरपंच चले आए हैं अपन हां हमारा सरपंच साहब आले आए पानी पिए ही ना को पियाई सरपंच साहब को जब खुदे नहीं मिल रहा पानी तो का पिए सरपंच साहब को खुदे नहीं मिल रहा पानी तो हम ही का पिए सब व्यवस्था यहां की पूरी रद्दी चलिए अपना का नाम है अमृतलाल विश्वकर्मा कहां के सरपंच है ना रूपौली पंचायत तो ये बताइए मैं पब्लिक का काहे जबराई ले आए हैं नहीं जबराई नहीं हम पचे अपने इच्छा से आन है हां हां जबराई नहीं लिया खुश नहीं आए ना हां व्यवस्था से बिल्कुल खुश नहीं आन एकका कितने आदमी के ले आए हैं हम पचे कम से कम 300-400 लोग 400 आदमी ले आए हैं ना अपना हां जी रूपौली व्यवस्था केहू का नहीं है व्यवस्था कुछ नहीं है ना सरपंच साहब ये मैं करे चाहिए बताई गांव वाले कर ले आए के नहीं व्यवस्था है व्यवस्था भरपूर है वहाँ सब लोग बैठे वो बतावल लागे अब वही थे अबे वहाँ अपन इंगाव धन वाहन के लाए भी लियात रहे थे ऐसे पीछे हो गई या कारण से वहाँ व्यवस्था नहीं थोड़ा पीछे अलग वाहन से रहे तो ये वहाँ हम लोगन के नहीं पाए ऐसे बिल्ली आ चुकी में दिखाएगा झूठ ना बोली नहीं झूठ बोले वाली तब कहते पानी की व्यवस्था नहीं है ना कौनो बैठक नहीं व्यवस्था है यहाँ पे पीछे आए तब वहाँ ऐसे कारण से पानी की व्यवस्था पीछे वाले का प्यास नहीं लागे प्यास लागे थी तो है हम लाए हैं ना पानी की व्यवस्था कराए रहे ना या हम फर जाए इधर आओ चलिए तब ये कहा लागे सरपंच की सब व्यवस्था है झूठ बोला लागे कराई थी चलिए ठीक है चलिए कोई जाइए अब कोई दिक्कत आओ तुम करा रहे हो चलो ये कहन व्यवस्था है ठीक ही व्यवस्था यहाँ हाँ व्यवस्था एक नंबर ठीक है मेरे को बीजेपी में अच्छा लगा और अच्छा लगा मतलब जो है अभी वो अभी रोड रोड भी खराब थी तो वो भी मतलब अब पूरा रीवा ही हाँ यहाँ होत का अलग है काहे काहे रहे यहाँ हो रहा है वो आए शिवराज सिंह ना है ना लक्की अरे लक्की नहीं आप अपना ना आए हैं तला अपना बताओ कि लक्की बताई है रुकी थोड़ा चलिए ठीक है अब कह रहे हैं का होला का नाम है अमोल दाहिया काहे काहे है नहीं यहाँ जो हवाई अड्डा बना है इसका शिलान्यास कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी अब को अब है बड़ा नेता और है सिंधिया जी देखा है सिंधिया जी का अरे हो गया हमारे गांव से आए टीम तो आए हम कितनी टीम आई है 40-50 लोग हैं बस में कौन गाँव से आए हैं ग्राम पंचायत मटीमा मटीमा जी अच्छा तो सरपंच ले आए हैं सचिव हमारे सेक्रेटरी साहब ले आए का नाम है सेक्रेटरी साहब रजनीश साकेत तो मतलब यहाँ व्यवस्था ठीक ही अंदर व्यवस्था एक नंबर है कड़ी व्यवस्था है पुलिस अमला एकदम हावी है व्यवस्था एकदम टाइट पानी होनी है पिए का पानी वगैरह सब है चलिए ठीक है अब अपना कह रहे हैं कि व्यवस्था तो है और कुछ लोगों के अंदर यह है कि व्यवस्था नहीं है लेकिन अब चलिए ठीक है अब और लोग अपना से बात हो चुकी है लेकिन यह एंट्री गेट है अब चलिए के अंदर के अपना का हाल दिखाओ कि आखिर या जनसभा के दौरान का का इंतज़ाम है का का व्यवस्था है और जे अतिथि आए हैं जे केंद्रीय मंत्री आए हैं जे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए हैं आखिर का कुछ जो है व्यवस्था उनके खातिर कीन गई ही उनके खातिर सुने आए आवे वाली जनता खातिर कीन गई हो जाने के प्रयास करी थे तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल धन्यवाद प्रणाम।